भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर आज पटेल समाज द्वारा अमरपाटन में सतना रोड स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश शासन के राज्य मंत्री व अमरपाटन क्षेत्र के स्थानीय विधायक व कुर्मी क्षत्रिय समाज के प्रदेश अध्यक्ष राम खेलावन पटेल सम्मिलित हुए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल की फोटो पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। आज के इस कार्यक्रम में अमरपाटन क्षेत्र के सैकड़ों लोग पहुंचे, जिन्होंने मुख्य अतिथि के संबोधन को सुना। राज्य मंत्री राम खेलावन पटेल ने अपने संबोधन में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जीवन लीला के बारे में बताया और वहां मौजूद सभी लोगों को सरदार वल्लभ भाई पटेल के बताए गए रास्ते पर चलने का आग्रह किया। इस दौरान स्थानीय लोगों के साथ साथ अमरपाटन क्षेत्र के जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। हमारे केंद्र सरकार के मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते उनके साथियों ने लगाने का काम किया था। अभी हम जो है क्योंथर जा रहे हैं, वहाँ सरदार पटेल की प्रतिमा लगनी है। सिवनी जा रहे हैं, वहाँ सरदार पटेल की प्रतिमा लगनी है। नरसिंहपुर जा रहे हैं, वहाँ सरदार पटेल की प्रतिमा लगनी है। दमोह में सरदार पटेल की प्रतिमा लगनी है। और निश्चित रूप से माननीय में मुख्यमंत्री जी से कहकर पूरे 52 जिलों में सरदार पटेल प्रतिमा के लगाने के लिए निश्चित रूप से प्रयास कर रहा हूँ और आने वाले समय में सरदार पटेल की प्रतिमा पूरे 52 जिलों में लगने का काम होगा। साथियों, निश्चित रूप से किसी भी महापुरुष की जयंती अगर हम मनाते हैं तो उनके पद चिन्हों पर चलकर, उनके जो विचार थे, उनने जो देश के लिए दिया है, उन्हीं पद चिन्हों पर चलकर निश्चित रूप से हम लोगों को उनके रास्ते पर चलकर इस प्रदेश को, इस देश को आगे बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करना चाहिए। और निश्चित रूप से हमारा समाज हमेशा महापुरुषों के रास्ते पर चला है और आगे भी महापुरुषों के रास्ते पर चलेगा। और निश्चित रूप से जब तक यह धरती रहेगी, जब तक यह दुनिया रहेगी, तो सरदार पटेल का नाम निश्चित रूप से अखंड भारत के निर्माता के रूप में लिया जाएगा। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए अमरपाटन से पुष्पेंद्र कुशवाहा की रिपोर्ट। काम किया था। अभी हम जो है क्योंथर जा रहे हैं, वहाँ सरदार पटेल की प्रतिमा लगनी है। सिवनी जा रहे हैं, वहाँ सरदार पटेल की प्रतिमा लगनी है। नरसिंहपुर जा रहे हैं, वहाँ सरदार पटेल की प्रतिमा लगनी है। दमोह में सरदार पटेल की प्रतिमा लगनी है। और निश्चित रूप से माननीय में मुख्यमंत्री जी से कहकर पूरे 52 जिलों में सरदार पटेल प्रतिमा के लगाने के लिए निश्चित रूप से प्रयास कर रहा हूँ और आने वाले समय में सरदार पटेल की प्रतिमा पूरे 52 जिलों में लगने का काम होगा। साथियों, निश्चित रूप से किसी भी महापुरुष की जयंती अगर हम मनाते हैं तो उनके पद चिन्हों पर चलकर, उनके जो विचार थे, उनने जो देश के लिए दिया है, उन्हीं पद चिन्हों पर चलकर निश्चित रूप से हम लोगों को उनके रास्ते पर चलकर इस प्रदेश को, इस देश